हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो जानम देख लो मिट गई दूरियां मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ कुछ ना कहो कुछ भी ना वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज इजलाल हाशमी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के F9 पार्क में और यहाँ हमारी मुलाकात हुई है एक मशहूर होते हुए बहुत ज़बरदस्त सिंगर से जिनका नाम है हक नवाज़। हक नवाज़ सोनू निगम और उदित नारायण के गाने बहुत ही खूबसूरती से गाते हैं और इनके चर्चे आजकल यूट्यूब पे और फेसबुक पे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम इनके कुछ गाने सुनेंगे और इनसे कुछ बातें भी करेंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम हक नवाज़ से सुनेंगे वीर ज़ारा का गाना था जानम देख लो, तो प्लीज़ आइए जी। जानम देख लो मिट गई दूरियां मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ जी। हक नवाज़ भाई, अगला गाना कौन सा सुना रहे हैं? सर, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, ये कुमार सानू का गाना। वाह वाह सानू जी। चले जी, लेट्स लिसन टू दिस ग्रेट सॉन्ग। कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो क्या कहना है क्या सुनना है मुझको पता है तुमको पता है समय का ये पल थम सा गया है और इस पल में कोई नहीं है बस एक मैं हूँ बस एक तुम हो कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो। ठीक है दोस्तों, ज़बरदस्त आवाज़ है इनकी, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है गाने सुनने का। तो अब हम इनसे सुनने के रिक्वेस्ट करेंगे, सोनू निगम ने जो गाना गाया था कल हो ना हो मूवी में, कौन सा गाना है भला आप बताएंगे? हर घड़ी बदल रही है। चलें प्लीज़ लेट्स। Thank you.
घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छांव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समां, कल हो न हो हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छांव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जीवन जियो जो है समा, कल हो न हो। जबरदस्त दोस्तों, आपको यकीनन इनकी आवाज़ बहुत पसंद आ रही होगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। इनकी आवाज़ में एक सुरूर है और इज़ रियली गुड, आई मीन रियली गुड। और आपको इधर F9 पार्क आना चाहिए और आके खुद यहाँ पे लाइव इनका गाना सुनना चाहिए। और अच्छा, आप बताइएगा कि आप अपना क्या सिस्टम है, आप पूरा अपना साउंड सिस्टम यहाँ लेके आए हुए हैं तो क्या सिलसिला है? आप रोज़ यहाँ F9 पार्क में होता है, अगर कोई आपसे मिलना चाहे, कोई आपका आके काम देखना चाहे तो किस तरह से आपको रीच आउट कर सकते हो? क्या आपका कोई यूट्यूब चैनल वगैरह भी है? मोस्ट वेलकम सर, आएँ जम आएँ, आकर एंजॉय करें। मेरा यूट्यूब चैनल है उदित नारायण कॉपी ऑफिशियल। अच्छा, उदित नारायण कॉपी ऑफिशियल के नाम से जी। अच्छा, तो मैं प्रॉपर सर 1 बजे से 5 बजे तक इधर बैठता हूँ। अच्छा, लोग बड़े लोग मुझे लाइव सुनते हैं, तो जो भी मेरे आपके चैनल के थ्रू मेरी आवाज़ है, जो भी मुझे सुन रहे हैं इंशाल्लाह वो लुत्फ़ पाएंगे इधर आएंगे तो। अच्छा अच्छा, उनको नहीं पता चलेगा कि ये प्रॉपर सिंगर कोई गा रहा है या कि नहीं। नहीं, आप माशाल्लाह प्रॉपर सिंगर वाली, कोई ऐसा कोई फर्क किसी के चेहरे पर तो नहीं दिखा। अल्लाह आपको जिंदगी, माशाल्लाह ये तो सिर्फ आवाज़ की बात है। एंड आई एम श्योर के लोगों ने भी आपकी आवाज़ सुनी है, आप तक जो है ना और भी लोग आएंगे इस मकसद से, तो अल्लाह करे कि आपका काम और बढ़े और आप जो है ना एक दिन पाकिस्तान का नाम सीधा रोशन करें जिस तरह बाकी सिंगर। अच्छा दोस्तों, आप इनसे कोई एक पाकिस्तानी गाने की भी डिमांड करते हैं, क्योंकि ये सुना मेहदी हसन के गाने बहुत अच्छे गाते हैं, तो अकनवाज भाई कोई मेहदी हसन का गाना? जी, मेहदी हसन का गाना मैं आपको सुना देता हूँ, लेकिन सॉन्ग के बगैर। ओके, साउंड के बगैर जी। जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, जिंदगी की राह में एक रोशनी अंधेरों में बिखरा गया कोई, ओ जिंदगी की राह में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने अपना आवाज़ का गाना, इनकी आवाज़ बहुत एंजॉय की होगी, आपको अच्छी लगी होगी। मुझे यकीनन बहुत पसंद आई है, और मैं तो उनको यकीनन अपने चैनल पर भी और बाकी भी जितना मैं सोशल मीडिया कवरेज है उनको ज़रूर प्रमोट करूँगा। आप आएँ इधर F9 पार्क इस्लामाबाद में, गेट नंबर 3 के साथ इधर होते हैं ओपन एरिया में, तो आप आएँ, इनकी हौसला अफजाई भी होगी और यकीनन आपको अच्छा लगेगा। और वी होप के हमारे आने से, लोगों के आने से इनको ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज मिले और इनका कामयाबी और ज़्यादा मिले। तो दोस्तों, आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और वीडियो से मुलाकात होगी, तब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कमेंट्स आप ज़रूर लिख के बताएँ कि आपको हक नवाज़ का इनकी आवाज़, इनका गाना कैसा लगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा हर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने दोस्तों के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच हक नवाज़ भाई, अल्लाह हाफिज़।